हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग एंड ये GSGE स्पोर्ट्स का स्क्रिम्स है, जहाँ पे आज स्काउड भाई भी खेले थे टीम एक्स पाक के साथ और 1v2 भी किया था मिलिट्री बेस में, बट वो फाइट स्पेक्टेट नहीं हुआ था, बट स्टिल आपको दिखा रहा हूँ। एंड स्काउड भाई का जो नया नाम है वो देख के आपको हंसी आने वाली है। सो अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। एंड ये तो आज का मैच है, अगर देखते हैं स्काउड भाई कल भी खेलेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड चलते हैं सीधा मैच की तरफ। नीडी स्पोर्ट्स वर्सेस स्क्वाड 5TX के प्लेयर्स के बीच में एंड टीम एक्स पार्क के प्लेयर्स ने स्क्वाड नंबर 13 के प्लेयर्स को बिग क्लैन स्पॉट आउट जरूर कर लिया। एंड टीम एक्स पार्क लास्ट वाले मैच में काफी ज्यादा अर्ली स्टेज में एलिमिनेट होते हुए दिखाई दी थी, सो लेट्स सी सेकेंड मैच में उनका कैसा गेम प्ले रहता है, बिकॉज ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ऑन द लाइन ह्यूमनॉइड एंड ह्यूमनॉइड के नजरे स्क्वाड नंबर सर्दन साइड के प्लेयर्स के ऊपर बिल्कुल रहने वाले, बट लेट्स सी इट्स गोना बी अ रियली रियली टफ सिचुएशन फॉर TX के प्लेयर्स। टीम एक बेनिफिट निकालने की ट्राई करें, बट गॉबलिन को काफी ज्यादा भारी भी पड़ सकता है। एंड हैदराबाद हाइड्रास की बात करी जाए तो बिकले उन्होंने अपनी टीम के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकाल लिया एंड एंट्री फ्रैग भी कर लिया, बट ओके 7C के सारा That is really hard to cover up. But on the other hand, Hyderabad की Hydras की बात करें, Soul के प्लेयर्स ने KSR के 7 को spot out कर दिया। Goblin अपनी location reveal कर दिया। KSR 07 को बिकला 50 HP down कर दिया। Hector ने closing कर दिया। Hector ने बिकला KSR को down कर दिया जाएगा। सरकार versus Hector, it's a 1v1 scenario. Hector ने बिकला shotgun पे switch करा। Shotgun पे switch करके सरकार को down कर दिया। Hector just did a solo versus duo clutch against Hyderabad. हाइड्रास एंड हेक्टर अभी अपने किल्स भी हमें पार्टी कर दिए। 2000 मीटर जोन के अंदर भी अभी क्लाइंट श्रिंक इन करना है, सो अभी के लिए वो काफी ज्यादा उनके लिए डिस बेनिफिशियल। And guys on the run score number 11 के ऊपर Zeno 25 को 1 HP down कर दिया। And Syed OP ने last bullet पे Zeno को down करा and Zeno का kill भी confirm कर दिया। And रिकवर करते हुए दिखाई देंगे। चिंटू ने अपने टीममेट को रिवाइवल दे दिया। चिंटू ने अपनी हेल्थ किट भी पॉप आउट कर लिया। टीम एक्स पार्क के प्लेयर्स को इजीली एलिमिनेट कर दिया। एंड बैंगन हिलाउस स्काउट हमें दोबारा देखने को मिली, क्या अभी क्लाइंट टीम एक्स पार्क के प्लेयर्स को एलिमिनेशन जरूर जरूर मिल जाएगी। टॉप 6 टीम्स एंड टॉप 13 प्लेयर्स एक्शन दोनों प्लेयर्स को अभी के लिए थोड़ा बहुत सर्दन साइड पर रोटेशन करना। सर्दन साइड पर रोटेशन करने के बाद ही दे विल अगेन ट्राई टू डू अ कमबैक। एंड बीस्ट ने अभी क्लाइंट गमला बॉय को डाउन कर दे। गमला बॉय को डाउन करने बाद अपना किल कंफर्म करने की ट्राई करेंगे। वाइविंग ऑफ टीम कस रिफ्लेक्स गॉड is already down right now. Beast ने अभी के लिए स्क्वाड 4 के प्लेयर्स को स्पॉट आउट करा। नास को पिक स्पॉट आउट एंड नास को पिक ऑफ करा, बट अभी के लिए फ्रॉस्टी ने ट्रेड फायर में बीस्ट का किल कंफर्म कर लिया। टॉप 21 टीम्स एंड 64 The other hand हो जाता है लाभ एंडीता वाली साइड पे टीम एक्स पाक ई स्पोर्ट्स के डार्क लॉर्ड के पास अभी बिल्कुल भी हीलिंग नहीं रहेगी, बट एक मेडिकेट मिल चुका है। एक फर्स्ट एड अभी पॉप आउट करें, बट ओके फर्स्ट एड ने एक बैंडेज पॉप आउट करा। ओके बैंडेज नहीं, एंड डार्क लॉर्ड ने बहुत ही ज्यादा गलती करी। वो 2 या 3 HP डाउन थे, बट आई डोंट नो व्हाई उन्होंने मेडिकेट पॉप आउट करी, उनको एक बैंडेज पॉप आउट करके अपनी हेल्थ अपने टीममेट को रिवाइवल भी देते हुए दिखाई देंगे। बट ओके ह्यूमनॉइड ने अपने टीममेट को रिवाइवल दिया है। सो एक बैंगन हिलाओ को स्पॉट आउट कर ले जाए। बैंगन हिलाओ स्काउट इज हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ द जोन राइट नाउ। ओके स्काउट को स्पॉट आउट कर लिया जाएगा। एंड स्क्वाड नंबर 7C के प्लेयर्स की बात करें, अगले 7C के प्लेयर्स ने स्काउट को इजीली स्पॉट आउट किया। स्काउट के अकेले ही फाइट ना बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट इंपॉसिबल है। अनफॉर्चुनेटली बैंगन हिलाओ को इजीली एलिमिनेशन मिल जाएगी एंड स्काउट्स गेट्स eliminated and scout